रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। सबसे पहले इतने बेहतरीन कलमकार मेरे सामने बैठे हैं आप सबके लिए, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र बने उनके लिए, कि आशा नहीं होता, आशा नहीं होता यूं दर्दे दिल के कसीदे पढ़ना, आशा नहीं होता यूं दर्दे दिल के कसीदे पढ़ना, रूह कांप जाती है, कतरा कतरा लहू निकलता है इस दिल से हर शेर के साथ, कतरा कतरा लहू निकलता है इस दिल से हर शेर के साथ, तब जाकर एक गजल बन पाती है। अब दर्द मोहब्बत पे लिखा जाए तो कहते हैं कि जहन में एक बात बार बार आती है, जहन में एक बात बार बार आती है कि क्यों उसकी याद हर बार आती है, जहन में एक बात बार बार आती है कि क्यों उसकी याद हर बार आती है, मशरूफियत में जिंदगी की भरम होता है उसे भूल जाने का, मशरूफियत में जिंदगी की भरम होता है उसे भूल जाने का, क्यों भरम तोड़ने ये रात हर बार आती है। अगला शेर कुछ इस तरह की, जरा संभल कर तूफान आने वाला है, जरा संभल कर तूफान आने वाला है, अगली ही गली में उनका मकान आने वाला है, जरा संभल कर तूफान आने वाला है, अगली ही गली में उनका मकान आने वाला है, जरा धीरे करो मेरे यार मेरे जनाजे को, जरा धीरे करो मेरे यार मेरे जनाजे को, आई है वो भी आज खिड़की पर, जीते जीना सही मरने के बाद ये मुकाम आने वाला। दर्द मोहब्बत का आखिरी शेर मेरा कुछ इस तरह की, जिंदगी भर से नदारत चेहरे, जिंदगी भर से नदारत चेहरे आज रो रहे हैं, देखो जिंदगी भर से नदारत चेहरे आज रो रहे हैं, कितने अनजान कंधे मेरे जनाजे को ढो रहे हैं, जिंदगी भर से नदारत चेहरे भी आज रो रहे हैं, कितने अनजान कंधे मेरे जनाजे को ढो रहे हैं, शोर है शहर भर में कि आई है वो भी मेरी अंतिम विदा में शरीक होने, शोर है शहर भर में कि आई है वो भी मेरी अंतिम विदा में शरीक होने, अब लौटने से क्या जब हम मिट्टी में दफन हो रहे हैं। दर्द मोहब्बत के बाद जब मेरे आशिकी खत्म हुई तब मैं मोटिवेशन पे आया, भाई यूपीएससी करनी है, क्या करेगा इंडिया पर, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं हमारी लाइफ में, उनके लिए एक जवाब के तौर पर शेर है कि दबी हुई रंजिशों को हवा देना जरूरी है, दबी हुई रंजिशों को हवा देना जरूरी है, दिल की कुछ ख्वाहिशों को रजा देना जरूरी है, जहनी तौर पर बीमार है वो लोग जो मुश्किलात पैदा करते हैं, जहनी तौर पर बीमार है वो लोग जो मुश्किलात पैदा करते हैं, मेरे दोस्त उन्हें उनके मर्ज की दवा देना जरूरी है। मोटिवेशन का अगला शेर, ये काल का विश्वास का सबने सुना है, कबीरदास जी को हमने भी फॉलो किया, कुछ अभी लिखने की कोशिश की कि महफिले दुनिया के अंदाज बदल रहे हैं, महफिले दुनिया के अंदाज बदल रहे हैं, देखो लोगों के हमराज बदल रहे हैं, कुछ ना समझ बैठे हैं कल के इंतजार में, कुछ समझदार अपना आज बदल रहे हैं। अब दो शेर अपने देश के नाम लिखता हूं कि सोते हुए को मारने वाले भी अब ख्वाब मांगने लगे हैं, लकीर के उस पार वाले भी जवाब मांगने लगे, सोते हुए को मारने वाले भी ख्वाब मांगने लगे हैं, लकीर के उस पार वाले भी जवाब मांगने लगे हैं, गुस्ताखी देखिए कश्मीर चाहिए है इनको, भिखारी भी आजकल शबाब मांगने लगे। अपनी शेर मेरी एक कमजोरी है, मैं दिखूं भले ना पर मुझे ब्रांड के कपड़े बहुत पसंद है, तो मेरे एक लेखक दोस्त है उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप बहुत ब्रांड करते हैं तब क्या करेंगे जब हमारे अंबानी का भी वही कफन है आपका भी वही कफन है, तब मैंने आखिरी शेर जो इस महफिल को नाम करता हूं कि पूछा है किसी ने एक सवाल आज हमसे, ये सवाल उसके दिल में बहुत पहले से होगा कि बहुत ब्रांड की पैरवी करते हो साहब,
तब क्या करोगे जब कफन पे ब्रेड ना होगा। हमने बहुत सोचा और मुस्कुराकर जवाब दिया उनको कि हमारा तो कफन भी ब्रांडेड होगा, चंगा होगा, सफेद लिबास में ना लिपटेंगे हम, हमारे तो जनाजे पर भी तिरंगा होगा। वॉच द लेटेस्ट कॉमेडी म्यूजिक एंड पोएट्री वीडियोस ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।